व्यूअर्स, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली आई रे। भारतीय मानव जीवन परंपराओं से बंधा है, जो हर किसी के जीवन को प्रभावित करता है। यही परंपरा मानव सभ्यता संस्कृति को जीवित रखते हुए मानव को उच्च कोटि में शामिल कर सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखती है। त्यौहार किसी महामानव के जीवन से प्रेरणा लेकर ही शुरू हुआ, जिनकी कोई कहानी या किंवदंती इसका मूल होती है। होली भक्त प्रह्लाद के जीवन से जुड़ा त्यौहार है। यह अनोखा त्यौहार परमात्मा की सामर्थ्य की स्मृति का त्यौहार है। होली नवीन वर्ष के शुभ अवसर के आगाज पर आधारित होता है। इसी समय किसान अपना घर अन्न से भरता है। नई ऋतु अपने संपूर्ण भारत में पदार्पण करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का दिन पिछले साल का अंतिम दिन होता है। पूरी प्रकृति में वसंत ऋतु का उन्माद रग रग में छा जाता है। पूरी प्रकृति शीतल मन सुगंध वायु, मन को आनंदित कर देने वाली प्राण वायु उल्लासित करती है। खलिहानों में नवीन अन्न की विशाल राशि, कृषक अपने किसान की फल देखकर झूम उठता है। किसान का मन मयूर नाच उठता है और किसानों की आनंद की सीमा जब पार होती है तब मन मयूर गा उठता है, होली आई रे। होली रंग में बाल वृद्धि व प्रौढ़ नारी की नस नस में आनंद हिलोरे लेने लगता है। तब सभी मिलकर घर घर गली गली मोहल्ले वाले फाग खेलने में शामिल होते हैं और फाग खेलते हुए कहते हैं होली आई रे। होली त्यौहार में अद्भुत तरीका अपनाया जाता है। बाल वृद्ध नारी सभी एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। होली में आनंद की प्रचंड लहर से सभी भीगते हैं। सभी का तन बदन और आत्मा पुलकित हो उठती है। किंतु आजकल कहीं कहीं फूहड़ तरीके से भी होली मनाई जाती है। उन्माद में लोग कीचड़, केमिकल, पत्थर फेंकने से गुरेज नहीं करते, जिससे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इससे सभी को बचना चाहिए, लेकिन रंग में जरूर रंगना चाहिए। रंग से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि साल में एक बार तो होली आती है। त्यौहार की पवित्रता बनाए रखना चाहिए, तभी लोग कहेंगे होली आई रे। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लिया करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। जो बोली।